भाई अपने पैसे जरा देख भाल के दिया करो यार, ये लोग फ्रॉड होते हैं, ये आम लोगों के जज्बे हैं लेकिन एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं पहले ऐसा ही करता था, फिर एक वाक्य ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। अपने घर से साइकिल पर निकला था कि ठेकेदार से अपने बकाया जात वसूल कर लूं। मैं स्टील मिल फिक्सर था और एक कोठी के लेंटर के पैसे बाकी थे, मगर ठेकेदार आजकल पर टरखा रहा था। मैं साइकिल पर जा रहा था कि एक शख्स अपना बच्चा फुटपाथ के किनारे लिटाए अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी का किराया मांगता फिर रहा था। वो कभी किसी पैदल का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ देता, मेरा बच्चा बचा ले, मुझे टैक्सी का किराया दे दे, तो कभी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता, कभी किसी कार वाले के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पर रोके एक पांव जमीन पर टेके उसका तमाशा देख रहा था, अचानक उसकी नजर मुझ पर भी पड़ी। उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया, भाईजान खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली, उसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा, आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए, मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस जारहाना अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से उतरा और उधर वो साइकिल पकड़कर भाग जाएगा। मैंने भी उसे काम करके खाने की तलकीन की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी, कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपना हैंडल छुड़ाकर बुड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ समझते हैं। दो तीन घंटे के बाद जब मैं बकाया जात वसूल करके वापस आया तो वो अभी उसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पास ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था, वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोक कर पांव से नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा, फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था बकाया जात समेत सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंका, और इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ मुतवज्जे हो साइकिल उस तेजी से चलाकर भागा, गोया सारी बलाएं मेरे पीछे लग गई। रह गई लूटने की बात तो हमें कौन नहीं लूटता, जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला हमें लूटता है, सब्जी और गोश्त वाला हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पर लूट ले तो शायद हशर में हमारी निजात का सामान हो जाए कि ये बंदा मेरी खातिर मेरे नाम पे लूटता रहा।